तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेलोसी रैप्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू इवेंट के बारे में जो ऑलरेडी इन गेम आ चुका है, जिसका नाम है 1UC बाउंटी रेड। मतलब एक्चुअली इसमें बाउंटी रेड होने वाली है, तो उस चीज़ के हम बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो चलते हैं फटाफट इवेंट की तरफ, देख लेते हैं इसमें क्या आया है। देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें और रिवॉर्ड्स आ चुके हैं इन गेम में, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इवेंट है, क्योंकि इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोग्रेस बार मेंशन किया हुआ है। जैसे जैसे सर्वर में हर कोई बाउंटी वाउचर लेता जाएगा, मतलब इसमें बाउंटी वाउचर है वो 1U बाउंटी वाउचर 1UC का होने वाला है। तो इसमें एक तरीके से रेड लगी हुई है कि आप 1UC में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसमें आप क्लियरली मेंशन किया होगा कि जैसे वो प्रोग्रेस बार होगा तो द लकी पर्सन विल गेट दिस आइटम। तो पहले चलते हैं हम रूल की तरफ। रूल में देख लेते हैं हम पहला पॉइंट, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मान लो अगर आप यहाँ परचेज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप 1UC के बदले 1 बाउंटी वाउचर परचेज कर सकते हो। अगर आप उसको परचेज करते हो तो यहाँ पर आप बन जाते हो एक पार्टिसिपेंट उस ड्रॉ में आने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम यहाँ पर देख लो, जिस तरीके से मैं यहाँ पर यूसी इंक्रीज करता जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी बाउंटी वाचेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और इनडायरेक्टली मेरे बाउंटी ऑड्स भी चांसेस होते हैं वो भी मेरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आप चाहो तो ये चीज़ आप चांस के ऊपर भी छोड़ सकते हो कि चांस की जितना चांस होंगे उतना आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप एक 1UC में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये इसमें बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, दैट्स वाई इसका नाम है 1UC बाउंटी रेड। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ कर ली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल चुका है। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे देखने वाली बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जैसे आप वो प्रोग्रेस बार कंप्लीट करते हो, जैसे वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है, एक तरीके से वो राउंड की तरह काम करेगा। मतलब वो पहला राउंड होगा या जो भी राउंड है उसमें वो चीज़ कंप्लीट होगी, और जो भी बंदा लकी रहा होगा वो ड्रॉ में अगर वो जीत जाता है वो चीज़ वहाँ पर वो जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्टली एक राउंड की तरह काम करने वाला है, मतलब एक राउंड में वो चीज़ कंप्लीट हुई तो उसमें जो जीतेगा वो होगा, उसके बाद नेक्स्ट राउंड चलेगा, इस तरीके से काम करेगा। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट में भी ये क्लियरली मेंशन किया हुआ कि अगर आप एक बाउंटी वाउचर भी परचेज करते हो तो आपको मिलेगा 10 BP और 2 AG करेंसी। तो ये चीज़ ऐसे रिवॉर्ड में मिलने वाली अगर आप सिंगल UC भी स्पेंड करके देते हो। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या मिलने वाला है कि जैसे ही आप बाउंटी वाउचर खरीदते हो उसके हमें जो ऑड विनिंग प्राइस है वो हमारा इंक्रीज होगा जितने ज़्यादा हम बाउंटी वाउचर्स परचेस करते जाएंगे। जैसे आप क्लियरली देख रहे हो स्क्रीन पर, जितने ज़्यादा लेते जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने ज़्यादा लोगे उतने आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है कि अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको UC स्पेंड ज़्यादा करने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं भी चाहते हो तो 1UC में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिसिपेट ले सकते हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है इसमें फिफ्थ पॉइंट में। तो यहाँ पे भी ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि द विनर ऑफ द लिस्ट ईच राउंड विल अनाउंस्ड इन द बाउंटी विनर्स। मतलब यहाँ पे जो विनर्स होंगे वो लेफ्ट साइड में आप आइकन देख रहे हो, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जो जो विनर्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन की हुई है। हर राउंड में जो जो जीता हुआ है तो उसको यहाँ पे विनर में अनाउंस कर दिया जाएगा, एज अ बैनर यहाँ पे सबके नाम शो हो जाएंगे जो जो यहाँ पे जीता रहा होगा। तो यहाँ पे ये सिंपल सी चीज़ है। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आप जीत जाते हो तो वो तो आपको इन गेम में मिल जाएगी, वो कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अगर आप नहीं जीते हो तो वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगी, ये याद रखना। और एक्सपायर होने के बाद उसके रिवॉर्ड्स में हमें मिलेंगे BP या सिल्वर कॉइन्स जो कि हमें इन गेम मेल में मिलेंगे, वो चीज़ भी सिंपल है। लेकिन अगर आप जीत जाते हो तो वहाँ पर आप देख लो कहाँ पर मिलेगा, माय रिकॉर्ड जो ऊपर साइड में लिखा हुआ है वहाँ पर जाना है आपको, और यहाँ पर आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा कलेक्ट का ऑप्शन, या फिर अगर आप नहीं जीतोगे तो बैटल लाइक नेक्स्ट टाइम ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट में भी एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप ध्यान दोगे, मान लो कुछ चीज़ें होती हैं जो हर बंदा लेना चाहता है और कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलरली कुछ ही लोग लेते हैं। तो इसमें भी एक चीज़ होने वाली है कि ज़्यादा बंदे लोग लेंगे उसमें तो पार्टिसिपेट बार जो प्रोग्रेस बार होता है वो कंप्लीट तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन मान लो कुछ चीज़ें होती हैं जो कम लोग लेते हैं, उसमें क्या होगा, एज अ PUBG वहाँ पर जो मिसिंग प्लेयर्स होंगे वो कंप्लीट ऑटोमेटिकली कर देगा, और उस प्रोग्रेस बार में जो चुनिंदा बंदे होंगे, जो कम बंदे होंगे, उनको रिवॉर्ड्स वो मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे वो प्रोग्रेस बार कंप्लीट फिर भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि हमें जितने भी ये रिवॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे परमानेंट हैं, कोई भी टाइम लिमिटेड नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप लकी रहते हो तो वो चीज़ आपको परमानेंटली मिल जाएगी। और लास्टली हमें देख लेते हैं कि शॉर्ट डिले, मतलब थोड़ा सा डिले हो सकता है अगर वो आप जीतते हो, लकी रहते हो तो, अगर आप जीते हो तो शॉर्ट डिले के अंदर वो आपको चीज़ मिल जाएगी, डिले हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम 50 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।